हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मेरी फर्स्ट चिट चैट वीडियो है। मैंने सिट एंड टॉक वीडियोज़ तो बहुत बनाई हैं, बट ऐसे बैठ के आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें कभी नहीं करी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बैठ के बातें की जाएँ, आप मेरे बारे में और जानो और मैं आप लोगों के बारे में और जानूँ, और जो हमारी कम्युनिटी है एज अ फैमिली हम लोग ग्रो करें। तो ये चिट चैट वीडियो मैंने सोचा है वंस इन अ वीक या फिर वंस इन टू वीक्स में डेफिनेटली आप लोगों के लिए बनाया करूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि व्लॉग्स में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में बात नहीं कर पाते, तो इस चिट चैट वीडियो के थ्रू हम लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और आज ये मेरी फर्स्ट आउटडोर शूटिंग वीडियो है। मैंने सोचा कि वेदर अच्छा है तो बाहर जाके शूट करते हैं, क्योंकि ना बाहर बैकग्राउंड वगैरह आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब ब्यूटीफुल बैकग्राउंड ऑलरेडी है, ग्रीन है हर तरफ। और अभी सावन का महीना चल रहा है, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, काफ़ी लोग तो पूरे सावन फास्ट करते हैं। और तीज आने वाली है, मुझे बताइएगा कि कौन कौन तीज के फास्ट तीज सेलिब्रेट करता है। तीज का फास्ट भी काफ़ी लोग करते हैं, हम लोगों में तीज का फास्ट नहीं होता, बट हम लोग बहुत अच्छे से रेडी होते हैं, ड्रेसअप होते हैं। और तीज हमारे यहाँ ना काइंड ऑफ करवा चौथ की तरह ही मनाया जाता है, शोला सिंगार किया जाता है और उसके बाद सारी लेडीज़ मिलके पार्क में झूला डाला जाता है, तो पार्क में झूला वगैरह करते हैं और खूब सारे गेम्स वगैरह करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। मैंने एक तीज सेलिब्रेट की है जब मेरा कोर्टशिप पीरियड चल रहा था शादी के पहले, तो उस तीज पे मैं घर पे ही थी, तो वो तीज मैंने बहुत मस्ती से सेलिब्रेट की थी। मैंने काफ़ी अच्छी मेहंदी लगवाई थी अपने हाथों में, क्योंकि जो भी आप एज अ मैरिड लेडी त्यौहार सेलिब्रेट करते हो ना, तो वो आप अपने कोर्टशिप में भी सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हो। तो मैंने तीज, करवा चौथ सब कुछ सेलिब्रेट किया था शादी से पहले एक साल के कोर्टशिप पीरियड में। तो उस तीज पे मुझे याद है मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना था, अगर मेरे पास कभी पिक्चर पड़ी होगी ना तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने बहुत सुंदर मेहंदी लगवाई थी, और हमारे घर के सामने ही ना पार्क है जहाँ पे बहुत सुंदर सा झूला डाल देते हैं सब लोग मिलके और फिर खूब मस्ती करते हैं शाम को मिलके। तो इस बार भी तीज पे मैं सोच रही हूँ कि साड़ी या फिर सूट तो डेफिनेटली पहनूंगी, कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी और आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूंगी। और आपको पता है सावन की ना बहुत धूम मच जाती है नॉर्थ इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया से होंगे उनको तो पता होगा इस टाइम पर कांवड़ शुरू हो जाते हैं। अगर आप कांवड़ नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी लोग हरिद्वार जाते हैं गंगा जल कलेक्ट करने, गंगा जल वो लोग लेकर आते हैं और अपने कंधे पे या फिर पोटली में पूरा गंगा जल लेकर आते हैं अपने अपने शहर के आसपास, जो उनका जो प्रसिद्ध मंदिर होता है वहाँ पे, तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं शिवरात्रि वाले दिन। तो बहुत धूम रहती है, हर तरफ आपको दिखेगा कि कांवड़ के कैंप होते हैं। जब हम बच्चे थे ना तो हमारे पापा भी एक कांवड़ के कैंप में काम करते थे, तो हम लोग भी जाते थे वहाँ पे, बहुत सेवा कराते थे और बहुत यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, मतलब कांवड़ियों की सेवा भी एक पुण्य का काम होता है। तो काफ़ी जगह आपको दिखेगा नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारे कैंप लगे रहते हैं और काफ़ी लोग उनको सर्व करते हैं, तो हम लोग भी बच्चे जब थे तो जाते थे उन कांवड़ के कैंप में, तो बहुत सारी फॉन्ड मेमोरीज़ है उस टाइम की भी। और अभी बर्ड बहुत सारा शोर मचा रही है, बट मुझे अच्छी लगती है बर्ड चर्प्स ना, तो ये सब धूम तो होती थी इंडिया में, बट डेफिनेटली वो सब धूम हम यहाँ पे काफ़ी मिस करते हैं। जैसे मैं शिकागो आई हूँ, काफ़ी सारे इंडियन फ्रेंड्स मेरे बन गए हैं, तो अब थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि ट्यूसॉन में तो इंडियन कम्युनिटी इतनी ज़्यादा क्लोज थी, छोटी थी, कि फ्रेंड्स तो बहुत दूर की बात थी, बहुत ही कम फ्रेंड्स थे वहाँ पर, बट डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और तीज भी मेरी एक फ्रेंड तो सेलिब्रेट कर रही है, तो देखती हूँ मैं अगर उसके साथ सेलिब्रेट करूँगी, जो भी होगा वो तो मैं आपको व्लॉग में दिखाऊँगी। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग तीज कैसे सेलिब्रेट करते हैं और क्या क्या करते हैं तीज वाले दिन। और हमारी तीज ना, हमारी शादी की फर्स्ट तीज सास भेजती है, और उसके बाद जो तीज होती हैं वो लड़की को उसकी मम्मी की तरफ से मिलती हैं। तो मेरी शादी की जो फर्स्ट तीज थी 2015 में, शादी से पहले वाली जो तीज थी फर्स्ट तीज, वो मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी, तो बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था मेरे घर पे, मेरे इन लॉज की तरफ से करीब करीब 10 से 15 लोग आए थे, और उस टाइम अंशुल भी इंडिया आए हुए थे मेरे बर्थडे के लिए, तो वो भी आए थे घर पे, और मतलब हलवाई लगा था, बहुत अच्छा सा खाना वगैरह हुआ था, और काफ़ी सारा सामान लेकर आते हैं तो वो सब हुआ था, बहुत मज़ा आया था। और शादी के बाद तो मैं यहाँ आ गई
तो मेरी मम्मी की तरफ से सामान जाता है मेरे ससुराल, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं वहाँ पे हूँ और तीज के दिन कोई आ रहा है, तो ऐसा कभी हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, बट डेफिनेटली हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है। तो यही सब होता है तीज पे। और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे पूछ रही थी कि प्री स्कूल का कैसे रहता है US में, क्योंकि उनका बेटा भी अब 3 साल का होने वाला है और वो प्री स्कूल का देख रही थी। तो मैं बता दूं कि मैं भी काफ़ी कंफ्यूज थी यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि स्कूलिंग यहाँ पे ना काफ़ी डिफरेंट है कम्पेयर टू इंडिया। जैसे इंडिया में तो आपका बेबी एज सून एज ही टर्न्स और शी टर्न्स 1.5 or 2 years मम्मा लोग प्ले स्कूल में डाल देते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है। अगर आपको डे केयर में डालना है तो डेफिनेटली आप 6 weeks वाले बच्चे से लेके आप कितने भी एज वाले बच्चे को डे केयर में डाल सकते हो, बट अगर आपको स्कूल स्टार्ट करना है तो यहाँ पे पहले प्री स्कूल स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर प्रॉपर स्कूलिंग स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 5 years। सो इट इज़ ओके अगर आपका बच्चा 5 साल तक घर पर रहता है, यहाँ पर US की बात मैं कर रही हूँ, तो 5 साल तक दे प्रेफर कि बच्चा इंजॉय करे अपने चाइल्डहुड को टू द फुलेस्ट और उसके बाद फिर वो एजुकेशन अपना सिस्टम स्टार्ट करे। और प्री स्कूल्स जो हैं यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, जो पब्लिक प्री स्कूल्स हैं वो 3 years से पहले नहीं स्टार्ट होते हैं। तो हमने भी यहाँ पे शिकागो आने के बाद कुछ पब्लिक प्री स्कूल्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में देखे हैं, तो वो उन्होंने हमें बोला कि जब मेरा बेटा 3 years का हो जाएगा अक्टूबर में, उसके बाद ही मैं उसको रजिस्टर कर सकती हूँ और डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी फिर उसका एडमिशन हो जाएगा। और हम भी देख रहे हैं यहाँ पे कुछ प्राइवेट प्री स्कूल्स, मैं गोविंद को डलवाऊंगी, बट अभी मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा और इन्जॉय कर ले, क्योंकि एक बार बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है ना फिर तो वो लाइफ लॉन्ग टेंशन चलती रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपना बचपन पूरी तरह इन्जॉय करे, घर पे रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ खेले, और जो बच्चे हम लोग बचपन में करते थे ना पहले 3 साल तक, वो सब वो इन्जॉय करे। पहले ऐसा चलन नहीं था इंडिया में भी कि बस बच्चा 1.5-2 साल का हुआ और उसे स्कूल निकाल दिया गया। हम भी 3-3 साल के थे तभी स्कूल गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम 3 साल तक तो वो भी खूब इन्जॉय करे। और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी जो लोग यहाँ हैं, बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस ना लें, बच्चों को अपनी चाइल्डहुड इन्जॉय करने दें, क्योंकि जितना इस टाइम पर बच्चे इन्जॉय कर लेंगे, आपके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। पढ़ाई तो यार हो जाएगी, सब बच्चे कर लेते हैं। काफ़ी सारी होम स्कूलिंग की बुक्स आती हैं, आप चाहें तो वो ले आएँ घर पे, बच्चे को 1-1.5 घंटा आप टाइम दें और सब कुछ जो प्री स्कूल में सिखाया जाता है वो आप अपने साथ एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखा सकते हैं, बच्चे को लाइब्रेरी ले जा सकते हैं। मैं गोविंद को बहुत ज़्यादा अभी लाइब्रेरी नहीं लेके जाती थी बिकॉज ऑफ माई ड्राइविंग फियर, बट अब मैं आपके साथ अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, बट अब मैंने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया है तो मैं गोविंद को लेके जाती हूँ कभी कभार लाइब्रेरी अब यहाँ पर, और यहाँ पे तो मेरे घर के बहुत ही पास है लाइब्रेरी, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। तो बस इन्हीं से ही बच्चों की लर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बुक रीडिंग और यही सब होता है। प्री स्कूल में भी बच्चे जाके बेसिकली खेलते हैं और इंटरेक्ट करते हैं और सोशलाइज होना बेसिकली सीखते हैं, तो वो आप अपने घर पे भी रह के और अपने कम्युनिटी के बच्चों के साथ बच्चों को करा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस ना लें, वो पढ़ लेंगे, सब कुछ सीख जाएंगे। और आप में से काफ़ी लोग मुझसे मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, तो मैं आपको बताती हूँ मैं सबसे ज़्यादा डरपोक सोल हूँ। मैंने बचपन में सिर्फ साइकिल चलाई है, जो कि मेरे बड़े भाई ने मुझे डरा डरा के और डांट डांट के सिखाई थी, वो मुझे ज़बरदस्ती साइकिल चलवाता था और मैंने तब सीखी थी, वरना मैं इतनी ज़्यादा डरपोक हूँ कि मुझे आप कार तो छोड़ ही दीजिए, साइकिल भी मैंने कभी नहीं चलाई और स्कूटी वगैरह तो मैंने कभी सीखी भी नहीं। बट यहाँ आने के बाद मैंने अब गाड़ी चलानी सीखी आफ्टर 3.5 years। मुझे काफ़ी टाइम लगा यहाँ पे भी गाड़ी सीखने में, ऑलमोस्ट मैंने 3-4 महीने लिए हैं सीखने में, बट अब मैं नॉन रोड्स पे खुद निकाल लेती हूँ, पार्किंग में खुद लगा देती हूँ। मेरे को पार्किंग का बहुत इशू था, मेरी गाड़ी जैसे ही पार्किंग के पास आती थी मेरे हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते थे और मेरे को डर लगना शुरू हो जाता था कि यार ये गाड़ी अंदर जाएगी या नहीं, और दो कार अगर खड़ी है तो उनके बीच में अगर मुझे कार लगानी है तो मुझे बहुत घबराहट होती थी, मुझे होता था कि बस मैं किसी कार को तो टच कर ही दूंगी। बट अभी थोड़ा सा मैंने ओवरकम किया है अपने फियर को, बहुत गाड़ी चलाई है, शाम को मैं अंशुल के साथ चलाती थी और स्पेसिफिकली हम लोग अपने कम्युनिटी का ही टूर करते रहते थे और पार्किंग मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, तो अब मैं कह सकती हूँ कि यस मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे आ गया है और अब मैं अकेले गाड़ी निकाल लेती हूँ, आसपास ले जाती हूँ, बट अभी मैं नॉन रोड्स पे लेके जाती हूँ,
अगर आप कह दो कि मुझे GPS देखते देखते गाड़ी चलानी है तो मैं नहीं चला पाऊँगी, मैं अभी उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो आसपास जो रोड्स अब मेरी नोन हैं, जिन पे मैं बिल्कुल मतलब 15-20 बार जा चुकी हूँ, जो मुझे बिल्कुल दिमाग में पूरा मैप बन चुका है जिन रोड्स का, उस पर मैं निकाल लेती हूँ और अब पार्किंग भी काइंड ऑफ लगा लेती हूँ। तो ये है मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस। और मैं तो आप सभी को कहूँगी कि आपको अपने फियर को ओवरकम करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, US आ रहे हो या किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे हमारे एक इंडिया की तरह ऑटो रिक्शा या रिक्शा का प्रिविलेज आपको नहीं मिलेगा, तो आप ड्राइविंग ज़रूर सीख लें, क्योंकि ड्राइविंग आपको ना इंडिपेंडेंट बना देती है। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ घर पर बैठो। और फिर स्पेसिफिकली मैं US का बताऊँ तो हर जगह यहाँ पे काफ़ी दूर दूर है, मतलब जो नियरेस्ट आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होगा ना, वो 0.7-0.8 माइल्स दूर होगा। और पैदल जाना उतनी दूर ना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे ना हर जगह पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है। लाइक अगर आप वेस्ट में जाओगे, जैसे मैं पहले एरिजोना में थी, तो वहाँ पे बहुत गर्मी होती थी, लाइक 7-8 मंथ्स इन अ ईयर हम गर्मी देखते थे, तो पैदल चलना पॉसिबल नहीं होता था। अब यहाँ हम शिकागो आए हैं, तो अभी तो बहुत ब्यूटीफुल वेदर है, समर्स हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे सुना है कि बहुत एक्सट्रीम विंटर्स पड़ती हैं, तो अगेन विंटर्स में इतना पैदल चलना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो कार तो आपको ड्राइव करना आना ही चाहिए। यहाँ की गाड़ियाँ बहुत सिंपल होती हैं, टॉय कार होती है, आई वुड से कोई क्लच वगैरह, सब ऑटोमेटिक कार्स रहती हैं, तो क्लच वगैरह का कोई झंझट नहीं रहता। पावर स्टेयरिंग तो आजकल हर जगह होता है, तो फटाफट से आप ड्राइव कर लो। और बैक वगैरह करने में भी आजकल तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैक कैमरास लगे रहते हैं कार में, तो काफ़ी ईजी है। बट यही है कि जो मेरी तरह बहुत ज़्यादा डरपोक है, उनको थोड़ा सा अपना फियर को ओवरकम करना पड़ेगा। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ तीज के लिए, क्योंकि you know, मुझे इंडियन कपड़े पहनना, तैयार होना बहुत पसंद है। एंड आई गेस ना, जो लड़कियाँ शादी करके US आ जाती हैं, उनको इंडियन कपड़ों से एक्स्ट्रा और ज़्यादा प्यार हो जाता है, क्योंकि वी डोंट गेट टू वेयर इंडियन क्लोथ्स दैट फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे हम लोअर टी शर्ट और वही सब ज़्यादा पहनते हैं, जीन्स टी शर्ट, तो हमें एक्स्ट्रा प्यार रहता है सूट कुर्ते साड़ीज से। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और पम्प्ड अप हूँ, और काफ़ी अच्छे से मैं उस दिन तैयार होंगी, क्योंकि जब मैं इंडियन कपड़े पहनती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से तैयार हो जाओ उस दिन। और फेस्टिवल्स तो डेफिनेटली आप कहीं पे भी रहें, वर्ल्ड के किसी भी कोने में से, आपको डेफिनेटली मनाने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये फेस्टिवल्स की लीनिएज अपने बच्चों में पास ऑन करनी है, अपने बच्चों को सिखाना है अपना कल्चर, अपने बच्चों को उनके कल्चर से ग्राउंडेड रखना है, तो डेफिनेटली आपको हर चीज़ अपने घर में सेलिब्रेट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ बताते हैं, तो बताने से बच्चे उतना नहीं सीखेंगे, अनटिल एंड अनलेस दे सी इट। तो बच्चे जब देखेंगे सुनेंगे, तभी वो सब कुछ सीखेंगे। एंड दैट्स हाउ यू नो यू कैन कीप योर किड्स ग्राउंडेड, कीप अटैच टू योर कल्चर। बींग एन NRI पेरेंट, मुझे लगता है कि हम पे ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हम अपने बच्चों को कल्चर कैसे सिखाएं। शायद जो NRI पेरेंट्स होंगे वो मेरी बात से अग्री करेंगे कि हम लोगों को अपने बच्चे को कल्चर से, अपने कंट्री से, अपने ट्रेडिशन से कनेक्टेड रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं दैन द किड्स बैक इन इंडिया। क्योंकि यहाँ पे अगर आप त्यौहार नहीं मनाओगे, कुछ नहीं अपने बच्चे को दिखाओगे सिखाओगे, तो उनको नहीं समझ आएगा कि ये भी होता होगा। एंड दैट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको अपने बच्चों को सब कुछ सिखाना है। सो आज की चिट चैट वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होप करती हूँ आपको मेरी चिट चैट वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके की और चिट चैट वीडियोज़ बनाऊँ, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो वो टॉपिक भी मुझे बताइएगा। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ ना कि ये चैनल खाली मेरा चैनल नहीं है, ये चैनल एक फैमिली है और हम लोग एज अ फैमिली ग्रो कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम एज अ फैमिली ही रहें और हम आपस में इंटरेक्ट करें, हर बंदा इस फैमिली का पार्टिसिपेट करे और हम एक साथ ग्रो करें और खुशियाँ बांटें। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इस चैनल को अपनी फैमिली समझेंगे, मुझे अपनी फैमिली समझेंगे और मेरी इस चिट चैट वीडियो को पसंद करेंगे। अगर मैंने आपको बोर किया है तो आई एम रियली सॉरी, बट मुझे बहुत मज़ा आया ये चिट चैट वीडियो बनाने में। और अगर इस वीडियो पे मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो मैं और वीडियोज़ भी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो चलिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर फ्यूचर वीडियोस। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। बाय।